हमारे साथ किसी उसकी किसी की ऐसी दुर्घटना होती है तो उसको जिस भी वो अगर वो नौकरी पक्के पे है तो उसको उसी प्रकार की नौकरी दी जाएगी उनके परिवार के सदस्य को, और इसी प्रकार से कुछ राशि भी उनको हमारे निगम की ओर से दी जाएगी। उसके लिए मैं प्रार्थना अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जो न केवल इस मौके पर बल्कि समय समय पर भी जो जिस प्रकार की घटनाएं कोरोना काल में हुई है उसमें आप करते रहें, जाके मदद करते रहें। मैं अपने आदेश गुप्ता जी को निवेदन कर रहा हूं कि इस मौके पर कुछ कहें भी, और उसके बाद डॉक्टर निजमा आलम जी की पत्नी को ऊपर बुला करके ये नियुक्ति पत्र, और हाँ वही मैं आदेश जी से प्रार्थना। यहाँ उपस्थित हमारी दक्षिणी दिल्ली की महापौर श्रीमती अनामिका मिथिले सिंह जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री राजदत्त गहलोत जी, नेता सदन नरेंद्र चावला जी, हमारे डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी तुलसी जी बैठे हैं, डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी हैं, और हमारी बहन सुमन जी है, सभी निगम पार्षद, हमारे आयुक्त महोदय भी आ चुके हैं, और डॉक्टर निजाम आलम जी जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 2008 से एक चिकित्सक के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दे रहे थे, जनता और देश को समर्पित एक चिकित्सक के रूप में पूरी तरह समर्पित होकर इस कोरोना काल में जब लोगों को बहुत जरूरत थी डॉक्टर्स की, उस समय उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, और वो निर्वहन करते करते कहीं न कहीं जब 13 अक्टूबर को वो कोरोना संक्रमित हुए, और उसके बाद उस कोरोना के कारण 27 अक्टूबर को वो हमारे बीच में नहीं रहे कोरोना संक्रमित होने के कारण, मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को इस काम के लिए उनकी सराहना करता हूं कि निगम आज जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, बहुत ही सीमित संसाधनों के बावजूद भी जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी की भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि वेदना दक्षिणी दिल्ली नगर निगम भी रखता है, भारतीय जनता पार्टी भी उनके परिवार के साथ संवेदना रखती है, और 10 लाख रुपए की जो उनको आर्थिक सहायता देने का जो प्रस्ताव है जो अभी दिया जाएगा, और इसके साथ ही साथ उनके डिपेंडेंट यानी उनकी जो पत्नी है श्रीमती सवाना जी को नौकरी का भी आप एक अपॉइंटमेंट लेटर आज देंगे। वास्तव में बहुत जरूरत है। मुझे जब पता लगा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इससे पहले 12 कोरोना योद्धाओं को, वो चाहे सफाई कर्मी हो, वो चाहे डैम्स विभाग के या शिक्षा विभाग के टीचर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो, ये अपनी सामाजिक दायित्वों की निर्वहन के लिए पूरी तरह सजग और तत्पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आज मैं इसके लिए भी इनकी सराहना करता हूं, अभी एक प्रस्ताव भी आप देने वाले हैं कि ऐसे कोरोना योद्धा उनको आवास भी आवंटित किया जाए, इसका प्रस्ताव आप करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ आज मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने कोरोना वॉरियर्स के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता देने का जो उन्होंने ऐलान किया था, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो कोरोना योद्धा दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करता है, वो कोरोना योद्धा निगम में काम करता है, वो कोरोना योद्धा के रूप में ही उसकी पहचान है, और उन सबको ही दिल्ली सरकार की तरफ से वो मुआवजा देना चाहिए जो मुआवजे का ऐलान उन्होंने किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने।